वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि राजू का सैलरी पहले 10% इंक्रीज किया गया है, फिर 20% डिक्रीज कर दिया गया है। सो उसका लेटेस्ट सैलरी जो आ रहा है वो है 17,600। सो हमें उसका ओरिजिनल सैलरी पता लगाना है, जबकि हमें चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल सैलरी को एज्यूम करेंगे। लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100x। 100x लेट करने से हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सो सबसे पहले 10% इंक्रीज हो रहा है, सो सैलरी आफ्टर 10% इंक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा 100x प्लस 10% ऑफ 100x इज इक्वल टू 110x। इसी तरीके से अब हम डिक्रीज सैलरी फाइंड करेंगे। सो सैलरी आफ्टर 20% डिक्रीज होने के बाद इस सैलरी से 20% डिक्रीज होगा। सो 110x माइनस 20% ऑफ 110x इज इक्वल टू हो जाएगा 110x माइनस 22x इज इक्वल टू 88x। सो उसका लेटेस्ट सैलरी आ रहा है 88x, जो कि हमें बता दिया गया है 17,600 है। सो इसे और इसे हम इक्वेट कर सकते हैं। नाउ 88x इज इक्वल टू होना चाहिए 17,600 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 17,600 डिवाइडेड बाई 88। ये टू टाइम्स में डिवाइड होगा, सो यहाँ पे 200 हो जाएगा। सो हमें x का वैल्यू मिल गया है 200। सो x अगर 200 है तो उसका ओरिजिनल सैलरी होना चाहिए 100x। देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू होगा रुपीस 100x इज इक्वल टू रुपीस 100 इंटू 200 इज इक्वल टू रुपीस 20,000, जो कि सी ऑप्शन में है। सो सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।